आदित्यनाथ सरकार की एक घोषणा युवाओं की जुबान पर चढ़कर बोल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए दिसंबर में सौगात लेकर आ रही है। सूबे में योगी सरकार 68 लाख विद्यार्थियों को इस साल के आखिरी महीने में स्मार्टफोन और लैपटॉप देने जा रहे हैं, तो इसके लिए बकायदा पात्र विद्यार्थियों का डेटा फीड करने के लिए जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च किया जाने को लेकर भी तैयारी की जा रही है। सरकार के सूत्रों की माने तो टैबलेट और स्मार्टफोन की बड़ी खरीद और साथ ही जैम पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अवनीश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अवनीश, जैसा कि 2017 में ये दर्ज किया गया था कि युवाओं की भागीदारी भी बहुत ज्यादा है सरकार बनाने में, और इसके बाद अब देखा जा रहा है कि युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान, क्या ज्यादा जानकारी और कितना फायदा बीजेपी को? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही तय कर दिया था कि युवाओं को नई तकनीक से जोड़ा जाएगा, नई नई तकनीकें लाई जाएंगी, और उसी के तहत उन्होंने घोषणा की थी कि युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। और 68 लाख युवा ऐसे हैं जिनको स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाना है, उसके लिए टेंडर मांग लिया गया है। औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से ये टेंडर करवाया जा रहा है, जेम पोर्टल के जरिए ये टेंडर होगा। यानी बेहतर तकनीक का जो टैबलेट होगा, बेहतर तकनीक का स्मार्टफोन होगा, वह युवाओं को दिया जाएगा। और इसको लेकर औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, और इस गाइडलाइन के मुताबिक सभी विश्वविद्यालय से डेटा मांगा गया है, उस डेटा को पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। और जिन छात्र छात्राओं का नाम पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा उनके मोबाइल नंबर पे SMS या WhatsApp के जरिए मैसेज भेजा जाएगा कि उनको स्मार्टफोन मिल रहा है या टैबलेट मिल रहा है, उसको कहाँ से ये सुविधाएं मिलेंगी, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए, इस योजना के लाभ के लिए किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा नहीं है, ये सिर्फ शिक्षण संस्थान से लिया जाएगा। तो एक बड़ा कदम है, क्योंकि युवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जोर दिया था, और उसी के नतीजा है कि उन्होंने स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का ऐलान किया है। कि लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए थे, जो भी प्रक्रिया हो रही थी वो ऑनलाइन हो रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में ये टैबलेट और स्मार्टफोन युवाओं के लिए काफी कारगर साबित होंगे, और खासतौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं कर देते हैं। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा था कि किसी प्रकार का व्यवधान जिसका जिनको इसका लाभ भी मिलने जा रहा है, क्या कोई आंकड़ा भी राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है? और साथ ही अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे आपने बताया कि जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इजी कर दी गई है, तो क्या इसको लेकर कोई वेबसाइट या फिर पोर्टल का भी लेकर गाइडलाइन जारी की गई है? क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है कि कितने लोगों को इसका फायदा मिलेगा, कैसे फायदा मिलेगा और प्रक्रिया में कितनी सहूलियत मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है उसमें 68 लाख ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जिसको स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाना है। तो जितने भी शिक्षण संस्थान है, विश्वविद्यालय है, उनसे डेटा लिया जा रहा है छात्र छात्राओं का, और वो डेटा एक पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, जो औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से ये पोर्टल लाया जाएगा। इस पोर्टल पे अपलोड करने के साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी फीड किया जाएगा, और जो भी सूचना होगी वो छात्र छात्राओं के मोबाइल नंबर पे दी जाएगी। यानी सरकार की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, अब जेम पोर्टल पे टेंडर मांगा जा रहा है क्योंकि किस कंपनी का टैबलेट होगा, किस कंपनी का स्मार्टफोन होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जब टेंडर मांगा जाएगा तो उस टेंडर में जिस कंपनी का नाम आएगा उसको टेंडर दिया जाएगा, और पूरी तरह 68 लाख जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र छात्रा हैं, उनको ये टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात है इनके लिए, क्योंकि लगातार तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार ने कदम उठाया है, और जगह जगह इसीलिए वाईफाई की भी सुविधा दी है। तो साफ तौर पर वाईफाई का सुविधा का लाभ तभी वो उठा पाएंगे जब उनके पास टैबलेट और स्मार्टफोन होगा, और साफ तौर पर जो गरीब छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर तकनीक से जोड़ा जा सके, उनको ऑनलाइन क्लासेस में किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए, इसका भी ध्यान सरकार अपनी तरफ से रख रही है, और पूरा एक डेटा तैयार किया जा रहा है कि किन छात्र छात्राओं को दिया जाएगा।